हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया क्रीमी क्रिएशन चैनल। आज मैं पालक की नई रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में टेस्टी बहुत लगती है। तो चलिए हम बिना देरी किए पालक की नई रेसिपी को बनाते हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम पालक लिया है, जिसे मैंने काट लिया है, और काट कर हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। हम इसे 2-3 पानी से धोएंगे, जिससे ये अच्छे से साफ हो जाए। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे, जिससे इसमें जितना भी पानी होता है वो निकल जाएगा। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम रख देंगे। अब हम एक जार लेंगे, जिसमें मैंने 2 बड़े प्याज को बारीकी से काट लिया है। अब हम इसे इस जार में डालेंगे। 1/2 इंच जितना हम अदरक डालेंगे, 6-7 कली हम लहसुन डालेंगे, और हम 2 हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो और मिर्च डाल सकते हैं। अब हम इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, आप देख सकते हैं। अब हम इस पेस्ट को कटे हुए पालक में डालेंगे। पालक में मैंने नमक डाला था, जिससे पानी जितना भी निकला था उससे हम पानी को अलग हटा दिए, आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये सूखा रहना चाहिए। बाइंडिंग के लिए हम इस पालक में 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें नीड हो तो हम इसमें बेसन और डाल सकते हैं। मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए हम इसमें और 1 टेबल स्पून जितना बेसन डाल रहे हैं। फिर से हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका एक बॉल बना करके देखेंगे। अगर इसका बॉल अच्छे से बन जा रहा है, मींस अब हम इस बॉल को फ्राई कर सकते हैं। मैं सारे बॉल्स को बना के रख ले रही हूँ, और मैंने कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम एक एक करके बॉल को डालेंगे और हम फ्लेम को मीडियम में रखेंगे, जिससे बॉल अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। हम इसे बीच में चलाएंगे, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं, इसे हम बीच में पलट देंगे, जिससे ये सब तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक गया है और गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। अब हम सारे बॉल्स को एक एक करके निकाल लेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये कोफ्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहे तो इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर इसका ग्रेवी वाला सब्जी बना सकते हैं। और इसी तरह से मैंने बाकी के कोफ्ते भी इसमें फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सारे पालक के बॉल्स बना लिया है और इसे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई किया है, और ये बहुत ही बढ़िया कलर आया है। गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे फ्राई किया है। चलिए अब हम इसका ग्रेवी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज को कट कर लिया है, और इसमें 6-7 लहसुन डालेंगे, 1/2 इंच जितना हम अदरक कट करके डालेंगे, और 2 हरी मिर्च भी डालेंगे। फिर हम इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। 2 चम्मच तेल मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया है। तेल गरम हो जाएगा तब हम तेजपत्ता डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, दालचीनी 1/2 इंच जितना डालेंगे, और इसमें हम 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज और अदरक लहसुन का जो दरदरा सा पेस्ट था, उसे हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे हल्का पिंक होने तक इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे, जिसे प्याज अच्छी तरह से पक जाए। आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून। इसमें हम गोलकी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून। रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम थोड़ा पानी डालेंगे और सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे, जिसे मसाला भी इस प्याज में अच्छे से मिल जाए और अच्छे से पक जाए।
हम थोड़ा और पानी डालेंगे जिससे मसाला कढ़ाई में ना चिपके। इस मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे इसमें और फिर से हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इस मसाले को हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं साइड से तेल दिखना शुरू हो गया है, इसका मतलब मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें 2 बड़े टमाटर का प्यूरी डालेंगे जिसे मैंने ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस लिया है। अब इस टमाटर को भी इस मसाले में अच्छे तरह से पका लेंगे। इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। थोड़े थोड़े देर में हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम पालक कोफ्ता की ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। फिर से हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप ग्रेवी जितना पसंद करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग पानी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें बॉईल आने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और अच्छा स्वाद के लिए हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे। फिर से हम इसे चला लेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छा से बॉईल आ गया है। अब हम सारे कोफ्ता को इसमें डाल देंगे। 1 मिनट तक हम इसे इसी तरह से पकने देंगे और हम एक बार फिर से सबको चला लेंगे। 1 मिनट पकने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं पालक कोफ्ता बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुआ है। तो हमारा पालक कोफ्ता रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे जरूर ट्राई करें। और आपका पालक कोफ्ता कैसे बनेगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।